अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नादरा नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के अंदर आने वाली न्यू जॉब्स के बारे में, ठीक है। डिजिटल पावर ऑफ अटर्नी फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तान, ठीक है। इसमें जॉब्स जो हैं अनाउंस हो चुकी हैं। अगर आप इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इन्हीं की ऑफिशियली वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर एक लाइन मिलेगी आपको, आई थिंक ये वाली लाइन है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। कैरियर्स पे आप जाके इनके लिए जो है अपना एडवर्टाइजमेंट पेपर भी चेक कर सकते हो और यहाँ से फ्री में ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। लेकिन एडवर्टाइजमेंट पेपर, अभी ये वेबसाइट डाउन है लेकिन एडवर्टाइजमेंट पेपर मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर वो भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग ईज़िली उसे रीड कर सकें और ईज़िली इस अप्लाई कर सकें नादरा के अंदर। लेकिन एडवर्टाइजमेंट दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानिब। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट पेपर चेक कर सकते हैं। मेरे पास दो एडवर्टाइजमेंट पेपर हैं, वो तमाम आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सीनियर डाटा साइंटिस्ट की जॉब है जिसके लिए 45 साल एज लिमिट है। बीएस कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। 4 साल आपने डिग्री की हुई हो किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर जो है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट है। 45 साल एज लिमिट रिक्वायर्ड है और ये जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका क्राइटेरिया रखा गया है एजुकेशन का। उसके बाद हमारे पास पोस्ट आ जाती है जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, जिसके लिए 35 साल एज लिमिट है और ये उसका एजुकेशन क्राइटेरिया है। उसके बाद हमारे पास पोस्ट आ जाती है मोबाइल डिवेलपर एंड्रॉयड का। 40 साल एज लिमिट है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस और रिलेटिव सब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है UX UI डिज़ाइनर की पोस्ट है। 40 साल एज लिमिट है और इसमें बैचलर डिग्री होना लाजमी है और इसमें कंप्यूटर की साइंस की रिलेटिव सब्जेक्ट की। उसके बाद जो है यहाँ पर कंटेंट राइटर की पोस्ट है। कंटेंट राइटर पोस्ट के लिए 35 साल एज लिमिट रखी गई है, 4 साल डिग्री होनी चाहिए बैचलर की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट आ जाती है बिजनेस एनालिसिस की और इसमें 45 साल एज लिमिट है। BS कंप्यूटर साइंस और IT सब्जेक्ट जो है आपके होने चाहिए। HEC से कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने इसकी डिग्री वगैरह की हुई हो। उसके बाद अप्लाई करने का तरीका यहाँ पर भी वही मेंशन है जो मैंने आपको बताया है कि nadra.gov.pk/career इनकी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है विद इन 15 डेज़ के अंदर, ठीक है। और दूसरा एडवर्टाइजमेंट हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं स्क्रीन पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा एडवर्टाइजमेंट जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद हमारे पास पहली पोस्ट आ जाती है नेटवर्क इंजीनियर की, जिसके लिए MA MS BS BE और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए। 35 साल एज लिमिट है और एक्सपीरियंस वगैरह जो यहाँ पर लिखा गया है उस बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट पोस्ट आ जाती है हमारे पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर डेवलपर इंजीनियर की, जिसके लिए एज लिमिट और एजुकेशन वगैरह सेम रखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आ जाती है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर बैकअप्स की, सेम क्राइटेरिया वगैरह इसका भी वही है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की और उसकी एजुकेशन और जो क्राइटेरिया है एजुकेशन का वो सेम है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की, जिसके लिए एसोसिएट सिविल इंजीनियर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एजुकेशन आप यहां पर देख सकते हैं और एज लिमिट 45 साल है। मिनिमम एजुकेशन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए किसी भी HEC से या NTC से या टेक्निकल बोर्ड से आपने अपना डिप्लोमा वगैरह कंप्लीट किया हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट आ जाती है टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की। उसके बाद VOIP इंजीनियर की, VOIP इंजीनियर की, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की और अप्लाई करने का सेम तरीका का जो वहां पर आपको मेंशन कर चुका हूं कि नादरा की ऑफिशियली वेबसाइट nadra.gov.pk की वेबसाइट /career की वेबसाइट पर चले जाना और वहां पर जाके इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर लेना, आपका अप्लाई का तरीका कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।